तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेट रीजन का जो क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। टेम्परेट रीजन के क्रॉप जो होते हैं उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एप्पल के बारे में। एप्पल जो होता है वो टेम्परेट रीजन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फ्रूट क्रॉप होता है, या फ्रूट ट्री होता है बोल सकते हैं हम। तो उसका जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो कल्टीवेशन से रिलेटेड, उनके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो जो इसका सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका जो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है उससे, कि जीनस क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, कौन सी फैमिली में आते हैं, ठीक। तो वो चीज़ सारी चीज़ें, तो इसका जो ऑर्डर यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट इज़ द रोजेल्स। तो ये जो होता है बेसिकली जो फैमिली होती है इसकी रोजेसी, उसी से रोजेल्स, ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रोजेसी फैमिली में आता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर सब फैमिली इसकी होती है ये, क्योंकि इसका जो फ्रूट होता है वो होता है, फ्रूट जो होता है एप्पल का वो कहलाता है पोम। तो यहाँ से उसकी फैमिली का नाम है पोमिडी, ठीक। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं कि इसका जो फ्रूट टाइप है वो होता है पोम, इसकी फैमिली है पोमेडी। जीनस इसका होता है मॉलस, ठीक, जिसको हम इस तरह से कैपिटल लेटर में जीनस को हमेशा लिखा जाता है। एंड अगर हम इटैलिक में नहीं लिख पाते हैं अपनी कॉपी में तो हम हमेशा अंडरलाइन कर देते हैं साइंटिफिक नेम में या बॉटनिकल नेम जो होते हैं उसमें। इसकी स्पीसीज होती है डोमेस्टिका, तो डोमेस्टिका में भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं। बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है 17, ठीक। एंड इसका सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो होता है 34, 51 एंड 68। तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 17, एंड इसके सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं 34, 51, 68। तो जब आप टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। नाउ हम इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला एप्पल जो होता है वो आता है मॉलस डोमेस्टिका, ठीक, इसका बॉटनिकल नेम, और ये भी आप मेंशन कर सकते हैं बॉर्क, ठीक। तो इस तरह से लिखना रहता है, तो आप देख लीजिए, आप लिख सकते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सो दिस इज़ द अन इम्पॉर्टेंट टेम्परेट फ्रूट, ओके। टेम्परेट फ्रूट होता है ये, जो कि मतलब इनको जब इनकी फ्लावरिंग स्टेज आती है तब इनको क्या चिलिंग रिक्वायरमेंट, चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इससे जो पहले मैंने हॉर्टिकल्चर, बेसिक हॉर्टिकल्चर पे जो वीडियो बनाया है उसमें हमने देखा था, क्लासिफिकेशन किया गया था क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, तो वहाँ पर टेम्परेट फ्रूट के बारे में हमने डिस्कस किया है। दिस इज ग्रोवन इन अ एरिया वेयर विंटर आर कोल्ड एंड स्प्रिंग्स आर फ्रॉस्ट फ्री, समर इज माइल्ड। तो ऐसे एरिया में ये ग्रो किया जाता है जहाँ पर जो ठंडी का सीजन होता है वो कोल्ड ही रहता है, जो स्प्रिंग्स होते हैं वो फ्रॉस्ट फ्री रहते हैं, और समर जो होता है वो माइल्ड होता है। द जीनस मॉलस हैज 25 स्पीसीज। तो याद रखिएगा मॉलस जो है उसमें 25 स्पीसीज है। ओरिजन ऑफ द एप्पल जो है दैट इज साउथ वेस्टर्न एशिया। तो ओरिजन या नेटिव प्लेस आप लोग याद रखिएगा, एप्पल का एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज द साउथ वेस्ट एशिया, ओके। नाउ द इसके अलावा काउकसस, सोवियत, सेंट्रल एशिया, हिंदू कुश, हिमालयन रीजन, ये सारी चीज़ें मतलब भी हैं इसके साथ ही, बट बेसिकली जो है वो साउथ वेस्टर्न एशिया है और सेंट्रल एशिया भी है, हिंदू कुश का जो हिमालयन रीजन है वो भी है। तो ये आप याद रख सकते हैं। नाउ इन इंडिया इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैप्टन ली। इंडिया में किसने लाया है एप्पल को? इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है कैप्टन ली के द्वारा 1865 में। सबसे पहले कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश के जो कुल्लू वैलीज है वहाँ पर आया था 1865 में बाय कैप्टन ली के द्वारा। लेटर ऑन अ रेड कलर्ड, रेड कलर की जो रेड कलर के एप्पल आपने देखे तो वो रेड कलर की डिलीशियस ग्रुप रहते हैं, वेराइटीज़ बोल जो मतलब वो वेराइटीज़ के नेम है रेड कलर डिलीशियस, उनका ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है किसके द्वारा? मिस्टर सत्यानंद स्टोक्स के द्वारा 1917 में हिमाचल प्रदेश की कोटगर में। तो कोटगर में मतलब 1917 में बाय द मिस्टर सत्यानंद स्टोक्स के द्वारा रेड कलर डिलीशियस ग्रुप जो है एप्पल की वेराइटीज वो इंट्रोड्यूस हुई है। लेकिन सबसे पहले जो एप्पल इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में वो कैप्टन ली के द्वारा कुल्लू वैली जो है हिमाचल प्रदेश की वहाँ पर हुआ है। एप्पल फ्रूट जो है इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
तो यहाँ पर उसके जो अमाउंट है वो भी मेंशन किया गया है, प्रोटीन 0.3% एंड न्यूट्रन लाइक के पी एंड कैल्शियम, के मीन्स पोटेशियम, पी मीन्स फॉस्फोरस एंड सी एम मीन्स कैल्शियम। नाउ वी सी द एरिया एंड प्रोडक्शन। इन इंडिया एप्पल इज ग्रोन ऑन अ कमर्शियल स्केल इन अ जम्मू एंड कश्मीर रीजन, हिमाचल प्रदेश रीजन एंड उत्तराखंड रीजन, बिकॉज दे आर द टेम्परेट रीजन्स, दैट्स वाई इन दैट रीजन ऑन अ कमर्शियल स्केल यहाँ पर कल्टिवेशन होता है। इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड ऑन अ लिमिटेड स्केल, मतलब कमर्शियल स्केल पे तो नहीं बट ऑन अ लिमिटेड स्केल पे कौन कौन से ऐसे रीजन्स है जहाँ पर होता है, तो दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय एंड मणिपुर और नीलगिरी हिल्स ऑफ द तमिलनाडु। दे मतलब यहाँ पर क्या होता है, इन दैट रीजन कल्टिवेशन जो होता है ऑन अ लिमिटेड स्केल पे होता है, नॉट फॉर द कमर्शियल स्केल। इन अ कमर्शियल वे में अगर हम बात करेंगे तो एप्पल जो है कमर्शियल स्केल में जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में एंड उत्तराखंड में, हम देखा कमर्शियल स्केल पे कहाँ ग्रो किया जाता है और लिमिटेड स्केल पे कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है। अब अगर एरिया और प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये पुराना डाटा है, मैं लेटेस्ट डाटा आपको लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो इसमें आप ध्यान ना दीजिए। अब हम देखते हैं क्लाइमेटिक किस तरह का वातावरण जो है वो रिक्वायर होता है एप्पल के लिए। बेसिकली ये टेम्परेट रीजन का फ्रूट है, बेसिकली जो वर्ल्ड में जितने भी टेम्परेट रीजन है वहाँ पर ग्रो किया जाता है। सो नॉर्दर्न एस्पेक्ट्स इन अ कंसाइडरेटेड मोस्ट सुटेबल फॉर इट्स कल्टिवेशन, जो भी नॉर्दर्न एस्पेक्ट्स हैं वो मोस्ट सुटेबल रहते हैं इनकी खेती के लिए। मोस्ट ऑफ द एप्पल वेराइटी रिक्वायर 1000 to 1600 चिलिंग आवर्स, मैंने इससे पहले आपको बताया कि चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फ्लावरिंग के लिए, जो भी टेम्परेट रीजन के फ्रूट्स ट्री रहते हैं उनमें। तो इस एप्पल में कितना लगता है, 1000 to 1600 चिलिंग आवर्स ड्यूरिंग विंटर टू ब्रेक द रेस्ट पीरियड। नाउ हाउ एवर सम लो चिल वेराइटीज रिक्वायर ओनली 500 to 800 चिलिंग आवर्स, कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं जिनमें लो चिलिंग रिक्वायरमेंट्स मतलब लो चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनमें 500 से 800 आवर्स अगर मिल जाते हैं चिलिंग के तो वो उनमें भी फ्लावरिंग हो जाती है। द एवरेज समर टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, 21 to 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अच्छे से ग्रोथ होगा उस दौरान पे। अगर टेम्परेचर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा एक्टिव ग्रोथ पीरियड है। लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा और मतलब बारिश वाली सीज़न रहेगा, जो बोलते हैं ना बादल बहुत छाए रहते, क्लाउडी वेदर रहता है, तो क्या होता है जो ब्लूमिंग होती है वो रुक जाती है और हनी बी की जो एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी होती है, बिकॉज हनी बी पॉलिनेशन का काम करता है, यहाँ पर एक पॉलिनेटर एजेंट होता है, तो उनकी भी एक्टिविटी जो होती है वो रुक जाती है और फ्रूट की सेटिंग पे एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है, फ्रूट की सेटिंग जो होती है वो सही रूप से नहीं हो पाती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो पॉलिनेशन के लिए, फिर पॉलन के जर्मिनेशन के लिए एंड फ्रूट सेटिंग, ये आपको इसी वे में लिखना है ना, क्योंकि सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, उसके बाद आपका पॉलन जो है वो जर्मिनेट होगा एंड जब पॉलन जर्मिनेट हो जाएगा फिर आपका फ्लावरिंग एंड फ्रूट वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो हमको उसके लिए 18 to 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आपको ये टेम्परेचर याद रखने होंगे, ठीक है। द एरिया विद फ्रॉस्ट फ्री स्प्रिंग एंड एडिक्वेट सनशाइन ड्यूरिंग द समर विदाउट वाइड फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर आर मोस्ट सुटेबल, ऐसे एरियाज जहाँ पर समर सीजन में क्या होगा बहुत ज़्यादा मतलब क्लाइमेट में फ्लक्चुएशन ना हो किसी भी प्रकार का और उनमें मतलब सनशाइन अच्छे से आए समर के सीजन में और साथ ही साथ जो स्प्रिंग सीजन रहे वो फ्रॉस्ट फ्री रहे, तो ऐसे एरिया में जो है प्रोडक्शन अच्छा होता है। ये एरिया जो रहते हैं काफ़ी सुटेबल होते हैं एप्पल के कल्टीवेशन के लिए। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, तो कितना रेनफॉल चाहिए रहता है, 100 to 125 सेंटीमीटर थ्रो
आउट द सीज़न रिक्वायर होता है एप्पल के लिए। और इसके अलावा अगर बहुत दिन तक सूखे की कंडीशन है, ड्रॉट स्पेल्स हो रहे हैं, फ्रूट डेवलपमेंट जब हो रहा है, मतलब फ्लावरिंग के बाद जब फ्रूटिंग वाली स्टेज है वहाँ, उस दौरान अगर काफ़ी लंबे समय तक सूखे की कंडीशन हो जाती है और क्या होता है, या फिर बहुत ज़्यादा सूखा होगा या फिर बहुत ज़्यादा बारिश या बरसात हो जाता है, तो क्या होता है जो फ्रूट का साइज है और फ्रूट की जो क्वालिटी है उस पर बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट आता है। और साथ ही अगर फॉगी कंडीशन हो जाता है तो भी एडवर्स इफ़ेक्ट होता है फ्रूट की क्वालिटी एंड साइज़ पे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि कितने कितने ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, किस तरह का क्लाइमेट सूटेबल होता है कल्टीवेशन के लिए, रेनी मतलब कितना हमको वाटर अमाउंट रिक्वायर होता है, मतलब रेनफॉल कितनी अमाउंट हमको रिक्वायर होते हैं उसके टोटल सीज़न में। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं आप क्लाइमेट में इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं सॉइल कैसा चाहिए हमको, सॉइल हमको किस तरह का चाहिए रहता है। एप्पल थ्राइव्स बेस्ट इन लोमी सॉइल बट लोमी सॉइल विच आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब लोमी सॉइल बेस्ट रहता है जो कि ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर रहता है। और पीएच जो रहना चाहिए वो 6.0 to 6.5, मतलब एसिडिक नहीं रहना चाहिए, एल्केलाई रहना चाहिए। गुड ड्रेनेज, मतलब पानी की जो निकासी है या जल निकासी की व्यवस्था है, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, जल का भराव नहीं होना चाहिए। जो बोल सकते हैं हम एरेशन प्रोसेस सॉइल की, वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर पानी भरा रहेगा तो एरेशन प्रोसेस जो रहेगी वो रुक जाएगी, इसीलिए वाटर लॉगिंग वाली सिचुएशन फील्ड में नहीं होनी चाहिए। और द सॉइल शुड बी डीप, गहरा होना चाहिए एंड फर्टाइल होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम द हार्ड सबस्ट्रेट एंड वाटर लॉग कंडीशन। ठीक, नाउ वेराइटीज़ कौन कौन सी है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिया के स्टेट हैं उनके लिए डिफरेंट वेराइटी रिकमेंड की गई है। तो हम देख लेते हैं, अर्ली सीजन की वेराइटीज़ होती हैं, भी उसके बाद जो होती है मिड सीज़न रहता है, एंड देन लेट अगर सोइंग कर रहे हैं तो लेट सीज़न की वेराइटीज़ रहती हैं। सो अर्ली सीज़न में होता है हिमाचल प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए, और इसके अलावा यहाँ पर मिसिंग है जम्मू एंड कश्मीर, पहला वाला जो है ये J&K के लिए है। ठीक है, तो अर्ली सीजन में हमको कौन कौन सी वेराइटीज़ है, एरिस पिच या फिर बेनोनी, और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए है आपका टाइडमैन्स अर्ली, उसके अलावा वर्सेस्टर, और इस ये जो पी है ना ये पॉलिनेटर है, ये वैरायटी एज अ पॉलिनेटर या मतलब यूज़ की जाती है। नाउ माइल्ड सीजन के लिए ये जो वैरायटीज़ हैं ये जो मेंशन की गई हैं, इसी तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं।